नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं दुर्गापुरी रोड पे और यहाँ पे आज कांग्रेस का और कन्हैया कुमार का, जो कि लोकसभा के प्रत्याशी हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के, उनका यहाँ आज ऑफिस खुल रहा है। ये देखिए कार्यालय उनका खुल रहा है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे हैं। मगर ऐसा बताया जा रहा है कि लवली और विरोधी ग्रुप के जो लोग हैं उन्होंने अभी यहाँ प्रदर्शन किया, हम उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। मगर कन्हैया कुमार का कहीं ना कहीं, जैसे हम बार बार आपको खबर दिखा रहे हैं कि विरोध चल रहा है उनकी टिकट को लेके, लोग मना कर रहे हैं कि इनका टिकट हटाइए, इनका टिकट काटिए और किसी दूसरे को दीजिए। अब ऐसे में विरोध हो रहा है और यहीं पे कार्यालय खुल रहा है, तो दोनों ही चीज एक साथ कैसे होंगी, पार्टी इससे कैसे उभरेगी और कन्हैया कुमार को किस तरीके से उत्तर पूर्वी दिल्ली से जिताएगी कांग्रेस, और उनका विरोध जो हो रहा है उसको कैसे खत्म करेगी, ये अपने आप में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और वो किस तरीके से लड़ेगी ये देखने वाली बात है। कन्हैया कुमार को लेकर यहाँ पे कुछ लोगों का प्रदर्शन हुआ, उन्होंने साफ कहा कि बाहरी है, हमें ये कैंडिडेट कांग्रेस को हटाना चाहिए, इसको लेके यहाँ लगातार बवाल मचाया गया। और आप देखिए बड़ी संख्या में लोग इस समय रोड पे हैं, उनके समर्थक और उनके विरोध में लोग सामने आमने सामने आ गए थे और पूरे इस इलाके में इस समय इसको लेके चर्चा का विषय बना हुआ है। ये अभी यहाँ कार्यालय खुलना है, चुनाव कार्यालय कन्हैया कुमार का, मगर उसी के सामने उसी कुछ दूर पे ही यहाँ पे हंगामा किया गया, इनका विरोध किया गया कन्हैया कुमार का। और उनका साफ कहना था कि किसी भी कीमत पे हमें ये कैंडिडेट चेंज करवाना है, अब इसको लेके यहाँ पे लोगों ने हंगामा किया। अब देखिए ये देखिए किस तरीके, अब यहाँ कार्यालय खुल रहा है और कुछ ही क्षणों में वो आने वाले हैं जिसका यहाँ पे वेट हो रहा है, मगर भीड़ भी उसी तरीके से है। Yeah.